गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू मैंक मैथमैनिया यूट्यूब चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल टुडे डिस्कस क्लास सेवन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट चैप्टर टॉपिक इज ब्लड पहले ब्लड को स्टार्ट करेंगे लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मैंक मैथमैनिया को अधिक से अधिक लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें चलिए डिस्कस करते हैं ब्लड ब्लड बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर वी रिवाइज सम प्रीवियस टॉपिक टॉपिक इज ब्लड ब्लड को मैंने बताया था दो पार्ट में बांटा जाता है फर्स्ट वन इज प्लाज्मा लाई अबाउट सिक्सटी परसेंट फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट कार्पल्स सेकेंड पार्ट इज कार्पल्स लाई अबाउट फोर्टी परसेंट टू फोर्टी फाइव परसेंट ठीक है फिर मैंने कहा था कि प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलो होता है स्टेट कैसी होती है लिक्विड की होती है ठीक है फिर हमने ये बताया था कि इसमें नाइन्टी परसेंट इसी सिक्सटी परसेंट का नाइन्टी परसेंट बेटा वाटर होता है ठीक है और जो दूसरा होता है टेन परसेंट उसी में ये पूरा प्लाज्मा होता है ठीक है और इस प्लाज्मा का काम क्या है तो प्लाज्मा का काम है पूरा देखिए मेंटेन करना ब्लड को मेंटेन करना ना उसे ज़्यादा जमने देना और ना ही ज़्यादा उसे एकदम से हल्का बना देना ठीक है इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट इसमें लाई करते हैं तो आप कहोगे इसके लिए जो लाई करने वाले कंपोनेंट हैं वो हैं आपके सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन याद आया प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा क्या था बेटा प्रोथ्रोम्बिन के बाद फाइब्रिनोजिन ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा था एंटीबॉडी और हैपेरिन हैपेरिन का काम होता है ब्लड को हल्का बनाना जबकि प्रोथोमिन और फाइब्रोजिन का काम है ब्लड को गाढ़ा बनाना ठीक है दोनों मेंटेन तरीके से रहते हैं जिसके कारण प्लाज्मा लिक्विड के फॉर्म में बना रहता हैपेरिन का अगर उदाहरण देखना चाहते हैं तो आपका जो मतलब जब आपकी बॉडी में बरसात के दिनों में जोंक चिपक हैं ना लीच जिसे कहते हैं वो क्या करता है अपने बॉडी से जब वो ब्लड को चूसता है ना तो अपने बॉडी से हैप्रीन भी निकाला करता है ठीक है ताकि जो ब्लड मिले वो लिक्विडिक फॉर्म में लिक, मिले जमे ना ठीक है तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं बारिश के दिनों में अब हम ये सारी चीज़ काटते हैं किनारे कार्पल्स का रिविज़न कर लेते हैं कार, कार्पल्स में क्या था तो आप कहोगे कार्पल्स में आपके तीन पार्ट मिले थे ठीक है कार्पल्स में कितने पार्ट मिले तीन वो तीन कौन से थे आर ठीक है डब्ल्यू और प्लेटलेट्स याद आया फिर मैंने कहा था कि जो प्लेटलेट्स है वो कितने दिन तक रहते हैं है हमारे बॉडी में जिंदा सेवन डे डब्लू कितने दिन फोर डे इनकी संख्या सबसे कम यानी टेन थाउजेंड जबकि प्लेटलेट्स की टू से टू पॉइंट फाइव लैख फिर मैंने बताया था कि जो डब्ल्यू बी सी होता है ये अगर सा मतलब इनका नंबर्स कम होता है तो इनका जो साइज होता है वो बड़ा बड़ा होता है डब्ल्यू बी सी जो होता है वो आपका मैंने बताया था फिफ्टी लाख के अबाउट होता है ठीक है और ये जो है साइज़ में बहुत छोटे छोटे होते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप पढ़े थे पुराने लेक्चर को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से ठीक है डब्ल्यू बी सी मैंने टी सेल के बारे में बताया था मैंने बताया था कि डब्ल्यू बी सी का हथियार है टी सेल एच आई वी रोग इसको क्या कर देता है ख़राब कर देता है और प्लेटलेट्स खराब होने के लिए मैंने बताया था कि क्लॉटिंग होना चालू हो जाता है और उसके लिए सबसे बढ़िया मतलब डेंगू बीमारी में ऐसा देखने को मिलता है काफ़ी ज्यादा प्लेटलेट्स गिर जाते हैं डोलो टेबलेट बकरी का दूध पपीता एलोवेरा ग्लोई ये सारी चीज़ें इसको हम कंज्यूम करते हैं जिससे हम सही हो जाते हैं अब हम आते हैं बात करते हैं सीधा आर में ठीक है ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा तो आर सारी चीज़ रिवाइज हो गई अब हम बात करते हैं आर बी सी की तो आर बी सी में क्या है वो समझिएगा ज़रा ध्यान से आर बी सी में हमें ये जानना है कि ये जो होता है पूरे जो कार्पल्स है ना कार्पल्स का न, भाई कार्पल्स फोर्टी परसेंट होता है तो इस फोर्टी परसेंट में ध्यान सुनना इस फोर्टी परसेंट में नाइन्टी नाइन परसेंट सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है आर बी सी होता है ठीक है और सुनिए आर होता है नंबर्स में कितने होते हैं फिफ्टी लैख ठीक है समझ में आई बात फिर इनका साइज कैसा होता है इस्माल होता वेरी स्मॉल ठीक है तभी ये नंबर्स में इतने ज़्यादा होते हैं ठीक है तीनों ही चीज़ में चाहे वो प्लेटलेट्स हो चाहे डब्ल्यू बी सी चाहे आर बी सी सबसे ज़्यादा नंबर्स किसके होते हैं तो आप कहोगे आर बी सी की होता है साइज में कैसा होता है छोटा होता है हाँ कितने दिन जीते हैं लाइफ इनकी कितनी होती है तो वन ट्वेंटी डेज ठीक है एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ कि डब्ल्यू बी सी की जो लाइफ होती है वो कितने दिन हो फोर डे ठीक है प्लेटलेट्स की कितनी होती है सेवन डे ठीक तो 120 डे किसकी होती है आप कहोगे आर बी सी की ठीक है समझ में आई बात अब हम आगे और बढ़ते हैं थोड़ा ठीक है अब इस आगे में भी हम ये बताएंगे कुछ चीज़ें इसी आर बी सी की आर बी सी में एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है हीमोग्लोबिन हीमो तो इस हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो रेड होता है क्या होता है रेड ठीक है किस कलर का रेड कलर अब ये हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो ये मेल में होता है हीमोग्लोबिन वो होता है फोर्टीन यूनिट जबकि फीमेल में होता है वो थर्टीन यूनिट आप अक्सर मोस्टली देखते हैं कि जो फीमेल है थोड़ा कमजोर होती हैं मैं कहना नहीं चाहता लेकिन वास्तविकता नेचुरली ये है क्योंकि तेरह यूनिट बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं अधिकतर चक्कर जो है पुरुषों में नहीं आता ठीक है चक्कर देखो कि पता चला धूप में या कोई वर्क कर लिए या कोई कमजोरी होने के कारण ठीक है अगर हल्की से भी कमज़ोरी आई तो ये हीमोग्लोबिन ऑलरेडी इनका थर्टीन यूनिट होता है तो और भी ज़्यादा कमजोर होने के कारण उनके अंदर चक्कर वगैरह कमी वगैरह आ जाने से देखने को मिलता है ठीक है तो अब आप इसको भी फील कीजिएगा कभी भी जब भी ब्लड आपको जरूरत पड़ेगी आपकी बॉडी में ज़रूरत पड़ेगी तो किसका लगेगा सिर्फ़ और सिर्फ मेल का ठीक है आप देखते होंगे जब चढ़ाया जाता है फीमेल का कोई नहीं लेता ठीक है मेल का क्यों क्योंकि फीमेल के अंदर तेरह यूनिट तो हीमोग्लोबिन रहता है अगर चढ़ा भी दोगे तो ऑलरेडी वो बंदा कमज़ोर है ठीक है कोई विशेष फायदा नहीं करेगा बस ये है कि उसको सप्लाई दे, दे देगा बस ठीक है लेकिन इसीलिए मेल का ही ब्लड लगाया जाता है समझ में आई बात ठीक है इतनी चीज़ समझे ना बहुत अच्छा वेरी गुड ठीक फिर आगे आते हैं हीमोग्लोबिन समझ लिए रेड पिगमेंट होता है ये समझ लिए अब हम बात करते हैं कि अगर ब्लड आपके अंदर कम है ठीक है तो इसका मतलब आर कम है और अगर आर कम है बेटा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा अच्छा हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन जो है आयरन की कमी भी है यानी आपके बॉडी में अब आयरन की कमी है तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है एनेमिया ठीक है अनिमिया रोग होता है समझ में आई बात तो एक बार फिर से सिक्वेंस बनाओ ब्लड की कमी तो किसकी कमी आर की आर की कमी तो किसकी कमी हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन की कमी तो आयरन की कमी और आयरन की कमी से आप जानते हैं कि अनिमिया रोग होता है नहीं पता है, तो आप जान लीजिएगा ठीक है ठीक अच्छे से दिमाग में बैठ गया ना बहुत अच्छा अब और भी आगे आते हैं अब आगे आने में हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल बनता कहाँ है तो हमारी जो बॉडी में बोन मैरो है अब आपके दिमाग में आ रहा है बोन मैरो ये कहाँ मिलता है भाई तो आप समझिएगा बोन मैरो जो है जो आपकी बोन है ठीक है जो आपकी बोन है तो इसी के बीच में ठीक है क्या होता है एक जालीदार संरचना होता है ठीक है नेटवर्क टाइप में तो अब इसी बीच में ही जो ये रेसेदार जालीदार जो पार्ट होता है ना ब्लड बोन के अंदर इसी को हम क्या कहते हैं बोन मैरो इसी के अंदर से ही क्या बनता है ब्लड बनता है ठीक है और हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई कर दी जाती है ठीक है समझ में ही बात बोन मैरो तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि आर बी सी कहाँ बनता है तो आप कहाँ बताओगे बोन मैरो में ठीक है अच्छा अब आप आपके दिमाग में ये भी आ रहा क्या ये छोटे से बच्चे हो जो होते हैं क्या उनका भी बोन मैरोम बनता है उनके अंदर तो हट्टियाँ इतनी होती नहीं हैं तो आप समझिएगा जब इम्ब्रायो की स्टेज होती है इम्ब्रायो ही नहीं यहाँ तक कि पूरी स्टेज की मैं बात कर लूँ वहाँ पर लीवर समझ में आई बात कहाँ से लीवर से ब्लड जो है उनका कॉन्स्ट्रक्ट होता है प्रोड्यूस होता है ठीक है तो अब आप आपसे कोई पूछे कि अगर जन्म लेने वाला बच्चा है तो उसके किस पार्ट से बन रहा होगा ब्लड तो आप जवाब क्या दोगे बेटा लीवर से ठीक है नॉर्मल हम ह्यूमन बींग के अंदर कहाँ से बन रहा है तो आप कहोगे बोन मैरो से ठीक है बेटा समझ रहे हो ना बहुत अच्छा आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए ठीक है आगे आते हैं एक कदम और आगे चलते हैं ठीक है तो अब आपने ये समझ लिया कि बोन मैरो में हो गया तो आप दिमाग में आ रहा होगा कि आर ऐसा तो है नहीं कि जिन जब 120 दिन उनकी जीने की क्षमता है तो 120 दिन बाद मर के कहाँ जाते हैं क्या गायब हो जाते हैं छुमंतर बढ़ जाता है नहीं नहीं बेटा नहीं स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है तो अब होता फिर क्या है तो हमारी बॉडी में स्प्लीन है क्या है स्प्लीन जिसे हम हिंदी में प्लीहा तिल्ली खाने वाली नहीं पिल, तिल्ली नाम है ठीक है प्लीहा या तिल्ली ठीक है तो जितनी भी आर बी सी बेटा हमारे बॉडी में ख़त्म हो जाती हैं वो सब कहाँ पर आके इकट्ठा हो जाती हैं स्प्लीन में इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ग्रेवयार्ड का मतलब कब्र तो आरबीसी का कब्र किसे कहेंगे स्प्लीन को कहेंगे ठीक है समझ में आई बात वेरी गुड अब आगे एक कदम आगे चल रहे हैं अब आपके दिमाग में आ रहा क्या कभी स्प्लीन अगर खत्म हो जाए तब ये आर बी सी कहाँ जा के मरेंगे तो सुनिए जब स्प्लीन ख़त्म ना तो आपकी बॉडी भी ख़त्म हो जाएगी पूछिए कैसे क्यों क्योंकि स्प्लीन में अगर मरने वाले नहीं जाएंगे तो वो तैरा करेंगे ब्लड में और भी ब्लड सेल को ख़राब करेंगे ठीक है तो आप इसका अच्छा उदाहरण जानते कहाँ देखेंगे गुड एग्जाम्पल इज ऑन डिजीज ऑफ मलेरिया जो मलेरिया डिजीज है ना उसमें कौन सी चीज़ ख़राब होती है यही स्प्लिन खराब होती है अच्छा मलेरिया की सबसे बढ़िया दवाई कौन सी है क्लोरोक्विनोन कौन सी क्लोरोक्विनोन ठीक है क्लोरोक्विनोन अच्छा क्लोरोक्विनोन जो है वो तो अब दवाई है पहले जब क्लोरोक्विनोन नहीं बना था तब क्या था तो आपका जो सिनकोना की छाल होती थी सिनकोना की छाल से ही मलेरिया उसका जूस निकाला जाता था उसी को पिया जाता था मलेरिया दूर हो जाता था तो आशा करता हूँ आपने इस सेशन को अच्छे से इंजॉय किया होगा अच्छे से दिमाग में बैठाया होगा ठीक है तो आज भी आपको कुछ लिखना नहीं है लिखने वाली चीज़ मैं बताता हूँ कौन सी चीज़ लिखनी है ठीक है इसको समझना है पहला काम ठीक लिखने वाली चीज़ अब मैं बता रहा हूँ कहाँ क्या लिखना है स्टूडेंट जो लिखने का काम है वो ये है कि जो ब्लड है ना ब्लड की डेफिनेशन आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा ब्लड इज ए रेड कलर फ्लूड दैट फ्लोज इन आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेजल फिर फंक्शन ऑफ ब्लड में बेटा आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है फंक्शन ऑफ ब्लड में आपको यहाँ से चालू करना है और यहाँ तक लिख लेना है ठीक है समझ में आई बात सॉरी बेटा यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा ठीक है बड़ा हो सकता है लेकिन मैंने इतने प्रेम से इतने अच्छे से समझाया है कि आपको लिखने में लिखने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा ठीक है आगे आते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड पूरा लिख लेना कि ब्लड कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शन बिकॉज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन इट अब वो डिफरेंट सब्सटेंस कौन से हैं उसको देखिए है. तो वो डिफरेंट सब्सटेंस जो हैं सबसे पहले जो है वो ब्लड प्लाज्मा है ब्लड प्लाज्मा को कहाँ कहाँ तक लिखना है तो ब्लड प्लाज्मा को द लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड इज कार्ड ब्लड प्लाज्मा और आलमोस्ट फिफ्टी फाइव परसेंट मैंने सिक्सटी परसेंट बोला है तो मैंने फिफ्टी फाइव से सिक्सटी तक बोला है ठीक है ये लिख लेना समझ में आई बात इसका काम क्या है द प्लाज्मा फैसिलेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंट थ्रू आउट द बॉडी यहाँ तक लिखना है आपको ठीक है फिर आते हैं रेड ब्लड सेल में तो रेड ब्लड सेल में हम बात करेंगे ये कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है तो दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन द ब्लड 40 टू 45 फाइव परसेंट दे आर इन रेड कलर बिकॉज दे कंटेन स्पेशल पिगमेंट कार्ड हीमोग्लोबिन जो मैंने बताया लास्ट में आपको वाइट ब्लड सेल लिख लेना है वाइट ब्लड सेल में भी क्या लिखना है दे आर प्रेजेंट इन फ्यूअर अमाउंट बट परफॉर्म ए वीटल फंक्शन इन द बॉडी डी सेल फाइट अगेंस्ट द जर्म प्रेजेंट इन बॉडी ठीक है लास्ट में लास्ट में ब्लड प्लेटलिस्ट में कहाँ लिखना है दीज आर सेल दैट इन परफॉर्म ऑफ ए बॉडी क्लॉट एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्राम फ्लोइंग मतलब जब आपकी बॉडी जो है ना अगर चोट लग जाता है ना तो अगर ब्लड प्लेटलेट्स ना हो वो थोड़ा जमाने का काम करता है ब्लड को तो ब्लड प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लड बहता चला जाएगा और आपका सारा ब्लड बह जाएगा तो आप मर जाओगे सॉरी ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ फैक्ट बात ठीक है तब तक के लिए थैंक यू अच्छे से नोट्स कीजिए बढ़िया पढ़िए अच्छे से ठीक है तब तक के लिए थैंक यू